हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हर्ष है और आप सबको इस यूट्यूब के एक चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन दाना जो अभी आया हुआ है, यहाँ पे हम जानेंगे कि साइक्लोन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किन किन टाइप का साइक्लोन है, और साइक्लोन का जो ये अभी जो नाम है इंडियन ओशियन में जो नाम दाना दिया गया है ये कैसे पड़ता है। अभी इंडियन ओशियन में आया हुआ है और कौन से कंट्री जो है इस साइक्लोन का नाम दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूज़ का कटिंग लिया हुआ है जिसमें ये बताया गया कि साइक्लोन कैसे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, और भी कुछ जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे साइक्लोन जो आया है, देख रहे होंगे कि ये अपना पाथ को दिखा रहा है कि कैसे उड़ीसा और बंगाल के एरिया में ये पहुँच रहा है। ठीक, उड़ीसा और बंगाल में ये थर्सडे और फ्राइडे को जाएगा। और क्या है यहाँ पे जानने वाली चीज़ है कि भितरकनिका नेशनल पार्क एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, एक धर्मापोर्ट भी है वो उड़ीसा में है। आगे क्या है बाकी, ये तो उड़ीसा के लिए कि वो अपने लोगों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिए हैं। आगे है आई और लैंडफॉल। आई क्या होता है जानेंगे, लैंडफॉल वो भी जानेंगे। आई जो है आपका ये जो साइक्लोन आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा अगर साइक्लोन बन रहा है तो इस पार्ट को बोलेंगे हम आई। ठीक, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आई। और अब ये जो आई है, ये आई अगर इधर लैंडफॉर्म में जाके यहाँ पे ये जो लैंड से अगर टकरा रहा है, ठीक, जब लैंड से टकराएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लैंडफॉल। और जानने वाला क्या चीज़ है यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम जो है वो क्या है कि डेवलप कहाँ हो रहा है, वार्म ओशियन वाटर। बिल्कुल सही, वार्म ओशियन वाटर पे ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, आगे और क्या है, लैंडफॉल वो तो बता दिया। आगे क्या है ये, हाँ आई जो बोल रहा है कि आई जो है वो काम है। कहाँ पे आई काम होता है, इस पार्ट को बोल रहा है कि ये काम है। बिल्कुल सही, जो हवा ऐसे ऐसे घूम के जो पहुँचेगा यहाँ पे, जो भी उथल पुथल आपका आउटर आई से बाहर है, इस एरिया के बारे में कितना, ये 35 से 65 किलोमीटर का ही होता है। यहाँ पे IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जानेंगे कि ये क्या काम करता है। आगे यहाँ पे लिखा रहा है नॉट अ डायरेक्ट हिट, बोल रहा है कि एक डायरेक्ट हिट नहीं है। किस लिए नॉट अ डायरेक्ट हिट बोल रहा है, किस चीज़ के लिए बोल रहा है? जब आपका साइक्लोन कोस्टल एरिया से यहाँ पे टकरा रहा है तो ये बोल रहा है कि जो आई है वो आई से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तो इसमें है, ये जो आपका बाहरी जो वाटर ये वॉल हो गया, आई वॉल जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉल, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है जो जाके टकराएगा। ठीक है, हो सके आई ना भी टकराए। और यहाँ पे क्या है, यूएसए नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए का एक जो सिस्टम है वो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन का आर नॉट लोकेटेड एट द सेंटर, वो सेंटर पे नहीं है। बिल्कुल सही, वो सेंटर पे बोल रहा है कि सेंटर काम होता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वहाँ पे विंड नहीं है। तो कहाँ पे है इसके बारे में बोल रहा है कि आई वॉल जो बाहरी है वहाँ पर ज़्यादा है। बाकी ये एक्सटेंट ऑफ डैमेज जहाँ पे भी टकराएगा उसे प्रिपेयर करना हो, मेटिगेट करना, मेटिगेट तो ये मेजर्स, जो मेजर्स उनको लेना है, कच्चा मकान जो है उनको काफ़ी डैमेज करेगा। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को भी ये डैमेज करेगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन लाइन्स से इसको भी डैमेज करेगा, पावर सेक्टर को भी डिस्टर्ब करेगा, ये सब चीज़ें हैं ये इस न्यूज़ के आउटलेट में दिया गया था। चलिए आगे जानते हैं कि हम साइक्लोन के दाना के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि साइक्लोन दाना जो है वो बारे में बताएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स क्या लेना है, इम्पैक्ट क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स क्या लेना है, जो न्यूज़ कटिंग में आपने देख लिया है। आगे इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन दाना क्या इम्पैक्ट करेगा, तो सबसे पहले दाना या फिर कोई भी साइक्लोन आता है तो फ्लड लेके आएगा, प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, कम्युनिटीज़ को फेस करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर देखना होगा कि प्रॉपर मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल उनको हो, ये सब चीज़ हमें प्रिपेयर करना है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी को
मुश्किल आएगी, ठीक है। और क्या है, जो भी इसेंशियल सर्विसेज है उनको ये मुहैया करवाना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइक्लोन, साइक्लोन कैसे बनता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया, इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होना चाहिए, ठीक। ओरिजिन क्या, ओरिजिनेट करेगा जो कहाँ पे, वार्म ट्रॉपिकल ओशियन पे ओरिजिनेट करेगा, बिल्कुल सही। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक। फिर आर द कैरेक्टराइज द लो टेम्परेचर एटमोसफेयर, ठीक। लो प्रेशर बनेगा तब साइक्लोन का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा। आगे जानेंगे कि कैसे फॉर्म होता है, ठीक। डायनेमिक साइक्लोन फॉर्मेशन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना। तो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है कैसे, कैसे साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जाने कि रैपिड इनवर्ड होता है, रैपिड पिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, ठीक। जो कि लो प्रेशर एरिया में जाता है, ठीक। इनवर्ड एयर सर्कुलेशन कहाँ जाएगा, लो प्रेशर एरिया आपका। ये जो लो प्रेशर, अगर आगे बताएंगे कैसे हुए, ये एरिया में जा रहा है, तो इधर से हवा, इधर से हवा, इधर से हवा, ऐसे करके यहाँ पे धीरे धीरे ये बड़ा होते जाता है, ठीक। साइक्लोन का टाइप, तो ट्रॉपिकल, दूसरा है टेम्परेट। ट्रॉपिकल का कंडीशन क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और ये 30 डिग्री साउथ, अभी इसको भूल जाइए, थर्टी डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ये आएगा, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। हमारा क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में है, ठीक है। अब टेम्परेट, टेम्परेट का कंडीशन क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, कहाँ, 65 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 65 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री से लेके यहाँ तक आएगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक, इस बीच में वो टेम्परेट बनता है, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलिए ट्रॉपिकल के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहले आपको लार्ज सी सरफेस, दूसरा क्या, किस लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए, लार्ज सी सरफेस मूवमेंट के लिए चाहिए। दूसरा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तीसरा क्या, कोरोलिस फोर्स, कोरोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन के अगेंस्ट में ये कोरोलिस फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। चौथा क्या, वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक है, ताकि वो रोटेशन कर पाए, साइक्लिक कंडीशन वो बना पाए, साइक्लिक कंडीशन बनेगा तो ये चीज़ बार बार डेवलप होगा, और बार बार होने के कारण ही आपका साइक्लोन बनना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पांचवा क्या है, वीक लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर का कंडीशन बनेगा तभी आपका साइक्लिक साइक्लोन का फॉर्मेशन फॉर्मेशन स्टार्ट होना, जो कहते हैं ना कि लो प्रेशर जैसे 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 वो बनते जाएगा और आपका साइक्लोनिक कंडीशन स्टार्ट होते जाएगा बनना, ठीक है। तो लो प्रेशर चाहिए, इन कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो जाके आपका साइक्लोन स्टार्ट हो जाता है बनना, ठीक है। अब फॉर्मेशन जानते हैं कैसे काम करता है।
सबसे पहले आपको तो वाटर जो है, वार्म वाटर 27 डिग्री सेल्सियस से अबव, ठीक, लार्ज वाटर बॉडी, ठीक। अब क्या होता है, एक यहाँ पे लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से जैसे ये हीट होना स्टार्ट होगा, सपोज ये जगह है, यहाँ पे हीट होना स्टार्ट हुआ, एवापोरेशन कंडीशन बन गया, एवापोरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। एवापोरेशन कंडीशन जैसे बना, यहाँ पे पहुँचा स्टेटस, यहाँ पे क्लाउड बन गया, क्लाउड बन गया, ठीक है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, फिर ये लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जैसे सेचुरेशन पॉइंट अटेंड कर लेगा तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में फॉर्म होगा, बारी होगा, और उस कंडीशन के बाद ये क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आपका यहाँ पे इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इवापोरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया तो यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा था तो इवापोरेशन स्टार्ट हो गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक। अब इस लो प्रेशर के साथ यहाँ पे कुछ ब्लॉक बन गया, ठीक है, यहाँ ब्लॉक्स, ठीक, ये जो गैप है, ब्लॉक्स बोलिए, गैप जी, गैप, ठीक है। इस गैप को भरने के लिए यहाँ से आपका एयर मासेस यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को इसे मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को इसको मेंटेन करना है, तो यहाँ से जो वाटर मासेस है यहाँ पे पहुँचेगा और इसको एक जैसा बनाएगा, ठीक। यहाँ पे पहुँचा और इधर से क्या होता है, जैसे आपका ये ऊपर जाएगा तो यहाँ के बाद जो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन जब स्टार्ट हो जाएगा, रेनफॉल, यहाँ पे जो क्लाउड बना, प्रेसिपिटेशन, एक तरफ से आप देख रहे होंगे कि इधर से एवापोरेशन हो रहा है, इधर से रेन के फॉर्म में वाटर नीचे आ रहा है, एक ऐसा कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा जो आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर से आपका देख रहे होंगे कि एवापोरेशन, यहाँ पे एवापोरेशन स्टार्ट है और इधर से रेन स्टार्ट है, फ्रिक्शन होगा, टकराएगा दोनों और हीट जनरेट होगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो लो प्रेशर बना था और यहाँ पे हाई प्रेशर, ये जो लो प्रेशर बना, गैप बना, इधर से हाई प्रेशर से घूम के यहाँ पे, घूम के यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएगा, यहाँ का जो एयर मासेस है या फिर कह लें वो वाटर मासेस, इसको फुलफिल करेगा, और जब लो प्रेशर जब कहीं बनता है, लो प्रेशर बनता है तो अगल बगल के जो हवाएं भी हैं इस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक। ये जगह ऑक्यूपाई होगा और धीरे धीरे इसे कोरोलिस फोर्स की मदद से, कोरोलिस फोर्स की मदद से ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा और ये अपवर्ड होते जाएगा, क्योंकि हमने जाना कि कोरोलिस, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे, पोल पे मैक्सिमम होता है, ठीक। तो आपने ये देखा होगा यहाँ पे, इधर कहीं फॉर्मेशन हुआ साइक्लोन का, धीरे 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 ये बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, कोस्टल एरिया में, तो ये कोरलिस फोर्स इसको लेके वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इसको मैक्सिमम अगर अटेंड करना है तो कहाँ जाना होगा, पोल पे जाना होगा। तो ये जो लो प्रेशर का एरिया है, धीरे धीरे ये प्रोसेस जो कंटिन्यूशन जारी हो जाएगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूशन जारी हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर जो जगह है, लो प्रेशर,
ये इसका कंटिन्यूशन जारी रहेगा, साइक्लिक कंडीशन यहाँ पे बनेगा, कंटिन्यूशन प्रोसेस अगर इधर बन रहा है तो यहाँ पे लो प्रेशर और वीक होते जाएगा, जैसे 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 वीक होते जाएगा साइक्लोनिक कंडीशन बनता जाएगा। ठीक, कॉरलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट होगा, सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगा। ठीक, और आपका साइक्लोन बन जाएगा। तो ये था साइक्लोन फॉर्मेशन। ठीक, अब जानते हैं हम कि साइक्लोन, ये हमने बात कर ली है, क्या बात किया, फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन रिक्वायर सेवरल की इंग्रेडिएंट्स, वार्म ओशियन वाटर, मॉइस्ट एयर एंड प्री एग्जिस्टिंग वेदर। ठीक है, वेदर डिस्टरबेंस। एक चीज़ और यहाँ पे बात करना था क्या, कि जैसे ये साइक्लोन आपका बना है, ठीक है, यहाँ पे, अरे क्या बना, इंडिया बनाना है यार, यहाँ पे बना, जैसे जैसे ये कंडीशन आपका यहाँ पे जैसे टकराएगा, तो सरफेस के टकराने के साथ ही जो साइक्लोन है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिर उससे मॉइस्चर नहीं मिलता है, मॉइस्चर मिलता है हवा से। ठीक है, आपका यहाँ पे वार्म एयर जो है उसको कोल्ड एयर के साथ का जो सपोर्ट मिल जाता है मॉइस्चर जनरेट करने के लिए, तो वो आपका सरफेस पे आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि आपका जो साइक्लोन है वो अगर लैंड से टकराएगा, सरफेस से टकराएगा, तो और बढ़ जाएगा क्या, तो वहाँ पे गलत कर दीजिएगा कि जैसे सरफेस से टकराएगा तो बढ़ेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा, उसका असर मिट जाएगा। यहाँ पे ये बातें कर ली हमने साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वार्म ओशियन वाटर, मोस्ट एयर में प्री एग्जिस्टिंग वेदर डिस्टरबेंस, और ये सारे जब कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी फॉर्म होता है, और एक रोटेशन के चलते ये साइक्लोन डेवलपमेंट हो जाता है, हमने ये बात कर ली। ठीक है, आगे क्या है, द रोल ऑफ कोरिलिस फोर्स। कोरिलिस फोर्स का भी रोल हमने देख लिया था, कोरिलिस फोर्स का क्या क्रूशियल है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि रोटेट करता है ये, ठीक, और राइज करता है, अर्थ रोटेशन के साथ ही ये कोरिलिस फोर्स अस्तित्व में आता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो आपका इस इमेज में अर्थ रोटेट कर रहा है उसके साथ ही कोरलिस फोर्स इधर डेवलप हो रहा है। आगे क्या है, आगे यही बात है, फिर आगे क्या, हाँ आगे क्या है कि साइक्लोन की नेमिंग, साइक्लोन का नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो नेमिंग के बारे में भी जान लीजिए यहाँ। साइक्लोन नेमिंग, ठीक है, तो ये 2000 की बात है, 2000 में एक ग्रुप बना था, ग्रुप का नाम है WMO और SCAP, ठीक है, वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये SCAP क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक कमीशन है। ठीक है, स्टार्ट में क्या हुआ था 2000 में, यहाँ पे 8 कंट्री आए थे, आठ कंट्री क्या, कौन कौन थे, बांग्लादेश, लिखवा बोल देते हैं थोड़ा जल्दी होगा, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 कंट्री आए थे। इन्होंने क्या बोला, लिख ही देते हैं, बांग्ला देश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। डिसाइड किया क्या कि हम लोग एक ये बनाते हैं,
कि जो साइक्लोन हमारे इंडियन ओशन में जो डेवलप होते हैं, ठीक है, उनका नाम कैसे हम लोग रखेंगे। ठीक, तो ये जो सेलेक्ट करते हैं कुछ अपने हिसाब से जो नाम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे भेजते हैं कहाँ, WMO में, स्कैप, यहाँ पे जाता है। स्कैप वालों ने क्या करते हैं, स्कैप वालों ये करते हैं कि PTC एक बनाते हैं। PTC क्या, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये क्या करता है, एक फाइनल लिस्ट, एक फाइनल लिस्ट तैयार करता है। ठीक, अब 2018 की बात है, यहाँ पे 5 और कंट्रीज़ में ऐड होते हैं। ठीक, कौन कौन से, ईरान, कतर, सऊदी, सऊदी अरेबिया, उसके बाद क्या, UAE और यमन। ठीक, ये कंट्री जमा होते हैं। टोटल अब कितने कंट्री हो गए, 13। ये 13 कंट्री है, 13 नाम हर कंट्री को देना है, हर कंट्री को 13 नाम देना है, तो कितना हो जाएगा, 169 नेम्स। ठीक, इतना नाम हो जाएगा, 169। ये 169 जो है, 169 जो नेम है वो जाएगा IMD, इंडियन मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंडियन मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है कि वो अलर्ट जारी करता है। ठीक है, अलर्ट जारी करके सबको ये बताता है कि कहाँ कहाँ साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और वो कब पहुँचेगा। तो वो जो अलर्ट है वो कुछ ऐसे जारी करता है, 72 आवर्स में, ठीक है, 48 आवर्स में, 24 आवर्स में और 12 आवर्स, और ये चार स्टेज बोलते हैं, 4 स्टेज। इसका नाम अगर बताए तो फर्स्ट स्टेज का जो नाम है वो क्या था, प्री साइक्लोनिक वॉच। दूसरा क्या है, साइक्लोनिक अलर्ट, अलर्ट। तीसरा क्या है, साइक्लोनिक वार्निंग। साइक्लोनिक वार्निंग, ठीक। और चौथा क्या है, उनका पोस्ट लैंडफॉल। ठीक, ये आपका 72 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स, ये 24 आवर्स, ये 12 आवर्स। 72 आवर्स में जो है प्री साइक्लोनिक वॉच, इसको देखा जाता है कि 72 घंटा में वो साइक्लोनिक फॉर्मेशन जो प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया है तो उस चीज़ को वो वॉच करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अलर्ट, जो 48 आवर्स जो है ये क्या करता है कि अलर्ट जारी स्टार्ट करता है, मतलब जब साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हो गया तो अलर्ट जारी कर देता है ताकि वो कहाँ कहाँ वो पहुँचेगा, ठीक है, किन स्टेट में पहुँचेगा, उनको अलर्ट जारी कर देता है। तीसरा है क्या, 24 आवर्स और 24 घंटा, ये वार्निंग स्टार्ट किसको करता है, स्टेट को जो वार्न किया हुआ रहता है सेकेंड स्टेज में, अब वो वार्निंग करना स्टार्ट करता है अपने जो लोकल एरियाज डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद है पोस्ट लैंडफॉल, 12 आवर का, ये जो पोस्ट लैंडफॉल 12 आवर का है, इसमें जितने भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं उनको मूवमेंट या उनसे पहले मूवमेंट हो जाता है, लेकिन इस जगह पे जो पोस्ट लैंडफॉल 12 घंटा होता है उस पूरा इवेक्वेट हो जाना चाहिए उस जगह को, ये चीज़ 24 आवर के टाइम पीरियड में वो बातें होती हैं। अब क्या है कि एक चीज़ और है कि कलर कोड, कलर कोड आप देखते होंगे कि जब भी साइक्लोन आता है तो न्यूज़ में दिखता होगा कि रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, तो वो कैसे होता है, तो ये 48 आवर्स का है,
48 आवर्स, इसमें होता है आपका येल्लो, येल्लो कलर। 24 आवर्स जो होता है ये ऑरेंज होता है, ठीक। और ये 12 आवर होता है, ये होता है रेड, मतलब कि उस जगह पे पहुंचने ही वाला है, आपको उस जगह को इवैक्यूएट करवा लेना है, ठीक है। कैसे भी किसी तरह का डैमेज वहाँ पे होने से बचाना है। तो ये आपका आप क्या हो गया कि IMD के बारे में बात करता था, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम, ठीक है। आगे यहाँ पे चलते हैं। हाँ, तो ये जो था 169 जो नेम्स है कुछ ऐसा है, लिस्ट में देख रहे होंगे कि आप सारे कंट्रीज़ को नाम दिया गया है। तो लिस्ट टू में देखेंगे कि बीपर जो आया था न्यूज़ में, काफ़ी डिस्ट्रक्शन दिया हुआ था बीपर जो है। फिर तेज, बीपर जो है कौन दिया था, बांग्लादेश। फिर इंडिया क्या दिया हुआ, तेज दिया हुआ। ईरान क्या है, हेमोन, हेमोन दिया हुआ है। उसके बाद और भी है, अभी क्या है, अभी है दाना, कौन दिया, कतर, ठीक है। और आगे जो आएगा वो होगा फेंगल, वो कौन देगा, सऊदी अरेबिया। फिर इसके बाद क्या आएगा, शक्ति, ये जो शक्ति है हो सकता है एग्ज़ाम में साइक्लोन आ भी जा सकती, और एग्ज़ाम में अगर आपके पास आ जाए कि शक्ति किसका है, तो बहुत लोग इसको शक्ति नाम सुन के इंडिया लगा देंगे, लेकिन ये कौन दे रहा है, श्रीलंका दे रहा है शक्ति। तो ऐसे ही 169 नेम जा चुके हैं IWMO को, ठीक। जैसे जैसे साइक्लोन बनते जाएगा ये नाम आते जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है क्या, साइक्लोन जो डेवलप होता है अलग अलग जगह, तो उसका नाम दिया गया है। जो इंडियन ओशन, अब देख रहे होंगे यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे जो साइक्लोन डेवलप होता है उसका नाम क्या, साइक्लोन है, ठीक है। और आपका टाइफून, ये टाइफून जो एरिया है आप किधर देख रहे होंगे, जापान वाला साइड में टाइफून उधर अक्सर हमेशा आता ही रहता है, क्योंकि देख रहे कितना जगह इसके पास वाटर बॉडी इसका जो है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हमेशा साइक्लोन बनते रहता है, टाइफून बनते रहता है, लार्ज वाटर बॉडी भी है। उसके बाद जो इधर आता है ऑस्ट्रेलियन साइड में, उधर भी साइक्लोन बोलते हैं, ह्यूरिकेन बोलते हैं, इधर USA के साइड में आता है, ठीक। तो ये नाम है, यहाँ पे भी दिया गया, ट्रॉपिकल डिस्टरबेंस होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ह्यूरिकेन आता है, टाइफून आता है, अलग अलग नाम दिया गया है। आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है जिसके कारण होता है। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, ओशन टेम्परेचर, वो यहाँ जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज का क्या इन्फ्लुएंस है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन बाय इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर। ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साइक्लोनिक कंडीशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जब ओशन गर्म होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये कंडीशन लो प्रेशर बनता है, तो फिर साइक्लोनिक कंडीशन भी बनता है, और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, साइक्लोन ज़्यादा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेटर रिस्क पॉज करेगा, ठीक है। कोस्टल इम्यूनिटीज़, ये सारे को खतरा है। आगे क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन में यह है कि हमें क्या है कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस को तैयार करना होगा, मिटिगेट करने के लिए हमें अलग अलग सिस्टम बनाने होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और फ्यूचर में और नया वीडियो लेके आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी जैसा भी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं।